जी ना, ये बहुत टाइट है, नहीं होगा। सब कुछ झड़ जाए, झड़ गया होगा नहीं। इतना हम सोचे थे ना, सब झड़ गया। इतना मेहनत, इतना ऊपर में है। मैं इस फूल को तोड़ना चाह रही थी। ये है अमलतास। गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आई थी सुबह सुबह। ये फ्लावर को तोड़ने के लिए, लेकिन इतना ऊपर है कि मैं तोड़ भी नहीं पा रही हूँ। और मुझे ना बहुत जल्दी आना चाहिए था इसके लिए, बट नहीं आ पाई। बहुत लेट हो गया था, रात में सोते सोते रात के डेढ़ बज गए थे और सुबह उठ नहीं पाई। अरे मुन, वहाँ एक तो गिरा हुआ है, देखो डाली। नहीं, देखो वहाँ पे है वो, एक उसको भी उठा के ला। इतना ऊंचा है ना पेड़ कि मैं तोड़ नहीं पाई, और बहुत ज़रूरी था ये फूल मुझे ले जाना। खैर, टाइम भी मेरे पास नहीं है, देखती हूँ और क्या कर पाती हूँ। मुझे ना ओरिजिनल ही फूल चाहिए। और ब्लॉग में बने रहिएगा तो आप जान पाएंगे कि मैं ये फूल क्यों इतनी सुबह लेने आई हूँ। फ्रेंड्स, जिस फूल की मुझे तलाश थी वो आखिरकार मुझे मिल ही गया। तो ठीक ही कहा गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गाइस, मम्मी पूरा झाड़ी उड़ी में जाके घुस के तोड़ के ला रही है। मम्मी को 7 बजे स्कूल भी पहुंचना है। चलो देखो। हाँ बताओ, इधर करो तो पकड़ो। पकड़े कलम मिला नहीं है, पकड़े। फाइनली ये फ्लावर मेरे को मिल गया जो मुझे चाहिए था। मेरे को ना ये चाहिए था, ये येलो वाला, और ये मिल गया। और बोलते हैं ना, किसी काम को शिद्दत से चाहो तो मिलाने में, मतलब एक तो इस तरह का डायलॉग था ना, तो कायनात भी मिलाने में मतलब लग जाती है। उसी तरह किसी काम को शिद्दत से करो तो मेहनत बेकार नहीं जाता है। फाइनली ऐसा लेट ऐसे हो रहा है मेरा, 6:30 बज चुके हैं और मेरे को स्कूल पहुंचना है 7 बजे तक। तो अभी मैं जाऊँगी, नहाऊँगी और स्कूल के लिए। फाइनली मैं स्कूल पहुंच गई हूं, और बहुत कुछ मैं नहीं बना पाई वीडियो क्योंकि इतना हड़बड़ी में थी मैं। और देखिए, यही फूल जो मैंने अभी लेकर के आया है, और अभी बच्चों का वेट कर रही हूं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको मुझे रेडी करना है, और फिर पूरा जब बच्चे तैयार हो जाएंगे उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। मेहनत कर रही हूँ ना इन्हीं बच्चियों के लिए। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना ये सब। ऐसे करो, हाय हाय। हाँ, इन्हीं बच्चियों के लिए आज मैं कहाँ गई थी, कनेरी का गई थी, फिर सिंघानी, दो जगह जाके इतना ऊंचा ऊंचा पेड़ से फूल मतलब नहीं तोड़ पाई। वीडियो में है लेकिन फिर निराश लौट रही थी मैं। तो देखी रास्ते में एक दिखा, थोड़ा सा नीचे था वो पौधा मतलब फूल, तो मैं गई और मुनमुनी कहाँ झाड़ी में घुस रही है मम्मी, और मैंने ये लाया। और देखिए बस यही इन्हीं बच्चियों के लिए। तो कैसा लगा इनका ये लुक जरूर बताइएगा, और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारी बच्चियाँ कैसी लग रही है, और मेरी मेहनत कितना मतलब रंग लाई है वो भी ज़रूर बताइएगा। और डांस का थोड़ा सा क्लिप मैं वीडियो डाल दूँगी, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। Pranja, Tanisha and Yarika with the beautiful poem Where the Mind is Without Fear.
फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे स्कूल में रविंद्रनाथ टैगोर जयंती बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। इसके बाद बच्चों का बहुत सारा एक्टिविटीज़ होने वाला है, जैसे ड्राइंग, एसे कंपटीशन। ये तो शायद मैं आप लोगों को पूरा दिखा ना सकूँ, उसके लिए सॉरी।